बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिस खबर ने एक बार फिर से देश भर में चिंता पैदा कर दी है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है। और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना ने जिस तरह से पैर पसारा है, देश में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में जहाँ नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं पुणे अमरावती में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। हम आपको लगातार ये अपडेट दे रहे हैं। और अब 31 मार्च तक सरकारी दफ्तर, मॉल, सिनेमाघर, होटल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता पर ही काम करेंगे। ये एक बड़ा ऑर्डर है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। हालांकि इन प्रतिबंधों को ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं किया गया है। किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों की इजाज़त नहीं होगी। वहीं शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाज़त है। साथ ही अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के हाथ पर स्टाम्प भी लगाई जाएगी। तो ये कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, ये एक बड़ा अपडेट। और इस पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, ये गाइडलाइन तो आ गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह का धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा, दफ्तर में 50% लोग ही आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नई गाइडलाइन है, इसको ठीक तरीके से ग्राउंड पर लागू कराने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? क्योंकि ऑर्डर तो कई बार आते हैं लेकिन वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। ये इम्प्लीमेंट हो, दफ्तरों में 50% लोग ही आएँ, कोई कार्यक्रम इस तरह का ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए, इफेक्टिवली लागू कराने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है, क्या योजना बनाई है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मृत्युंजय जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो नियम कानून तो बनाए जा रहे हैं लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। चाहे कहीं की भी बात करें, अगर हम बात करें होटल, रेस्टोरेंट या फिर पब्लिक प्लेसेस की, लगातार यही देखा जा रहा है। यही वजह है कि जो ये नई गाइडलाइन है उसमें ये सारी चीजों के अलावा, जो क्षमता वगैरह के अलावा, ये बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर आप गलत पाए गए, अगर किसी ने भी इस नियम को, एसओपी जो बनाई गई है उसका पालन नहीं किया है, तो तुरंत उस चीज को, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, रेस्तरा हो, होटल हो या फिर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करने का स्थल हो, उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तब तक जब तक कि COVID-19 से रिलेटेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको ओके नहीं कर देती है। उसके अलावा इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ये इस तरह की सख्ती है कि तुरंत तो एक तो उसको सील कर दिया जाएगा, बंद करना, और ऊपर से इन पे इस तरह की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। वही एक और चीज भी मैं जोड़ना चाहूंगा मृत्युंजय जी कि पिछले काफी दिनों से BMC को शिकायत आ रही थी ऐसे लोगों की जिनको होम क्वारंटीन किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो घर से बाहर निकल रहे थे और बाहर घूम रहे थे, अपने काम पे जा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग और समाज के लिए भी खतरा बने हुए थे। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए अब BMC ने फैसला लिया है कि अब वो जिस सोसाइटी में जो होम क्वारंटीन हुए हैं, उस सोसाइटी के लोग उनके पिक या वीडियो खींच करके भेज सकते हैं वार्ड ऑफिसर के पास, जिसके बाद वार्ड ऑफिसर जांच करके उनके ऊपर FIR तक दर्ज करा सकते हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई भी लापरवाही अब कोई करेगा तो निश्चित तौर पर उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसका ताजा उदाहरण आपने भी देखा होगा कि कल की बात है कि एक अभिनेत्री है गौहर खान, वो पॉजिटिव होने के बावजूद वो अपनी शूटिंग पे जा रही थी, जिसकी शिकायत होने के बाद तुरंत ओशीवारा पुलिस स्टेशन में उनकी FIR हुई। अच्छा। और उनको जो है इसके लिए जमानत तक भी लेनी पड़ी। तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ये संदेश है प्रशासन के लिए कि लापरवाही छोड़े, नहीं तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। ठीक है, ये मतलब सुबोध ये बता रहे हैं कि सरकार इस बार बहुत ज़्यादा चौकन्ना है, चुस्त दुरुस्त है कि नियमों का उल्लंघन ना हो, जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसका पूरी तरह से पालन हो, इसकी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सुबोध आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज शाम 5 बजे, चूंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम भी दुनिया भर में चल रहा है, तो इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं और बड़ा शो इसके ऊपर हम कर रहे हैं शाम 5 बजे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो भारत में भी बन रही है सीरम में, इस वैक्सीन को लेकर के दुनिया भर में कई सवाल खड़े हो गए हैं और 16 यूरोपीय देशों ने इस वैक्सीन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। दलील दी जा रही है कि इसे इस वैक्सीन को लेने के बाद
क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जम रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में 30 करोड़ लोगों को लग चुकी है इस वैक्सीन को। WHO ने पूरी तरह से सुरक्षित बताया है और भारत में भी 3 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया है। हालांकि भारत में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है और यहाँ पर पूरी तरह से इसे सुरक्षित बताया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, भारत के संदर्भ में इसकी क्या अहमियत है, कितना सुरक्षित है, इस पर डिटेल जानकारी के साथ आज शाम 5 बजे देखिए हमारा खास शो।